हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुराने से पुराने और खराब से खराब जख्म को, यहाँ तक कि गैंग्रीन तक को ठीक करने का एक सबसे आसान, सस्ता और 100% नेचुरल घरेलू नुस्खा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और वैदिक पंचकर्म चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, गेंदे का फूल, जिसे झेंडू या फिर मारीगोल्ड भी कहा जाता है, ये दुनिया के बेस्ट औषधि में से एक है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जिससे कि ये घाव को जल्द से जल्द भरने में हेल्प करता है। कितनी भी खराब जख्म हो, उसे ठीक करने के लिए गेंदे के फूलों की चटनी बनाइए, पीस कर उसकी चटनी बनाइए और उसका रस निकालिए और उसका सेवन कीजिए। अगर जख्म बहुत ही ज्यादा खराब हो, पूरी तरह से बॉडी सड़ चुकी हो या फिर गैंग्रीन जैसा केस हो, तो गेंदे के फूलों की पीस कर चटनी बनाइए और उसको एलोवेरा जूस के साथ मिलाइए और ये मिक्सचर अपने घाव पे लगाइए। दोस्तों, एक बहुत ही असरदार नुस्खा है। चाहे गोली लगने की वजह से होने वाला घाव हो या फिर बॉम ब्लास्ट की वजह से होने वाला जख्म हो, ये उसको बहुत ही जल्द से जल्द और आसानी से भर देता है। कारगिल युद्ध में भी गोली लगने की वजह से और बॉम ब्लास्ट की वजह से घायल हुए जवानों के जख्म को जल्द से जल्द भरने के लिए यही नुस्खा बहुत असरदार साबित हुआ था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।